बिहार में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। अस्पतालों की हालत काफी खराब हो चुकी है। इस बीच NMCH में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। ऑक्सीजन में कमी के सवाल पर लगातार मरीज और उनके परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं। इधर समस्या को देखते हुए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने विभागीय प्रधान सचिव को पत्र भेजकर अधीक्षक के पद से मुक्त करने की बात कही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर भी अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अधिकारियों के हस्तक्षेप से नाराज अधीक्षक का कहना है कि इस अस्पताल के ऑक्सीजन स्टाफ को दूसरी जगह भेजा जा रहा है, इससे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। ऐसे में कोई घटना घट जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अस्पतालों की खस्ता हालात पर सवाल उठाए हैं। एक अस्पताल आप तैयार नहीं कर पा, एक कोई टेस्ट होता है एक हफ्ता रिजल्ट आने में लगता है, तब तक वो कितना को संक्रमित कर देगा। कोई व्यवस्था इस सरकार की नहीं है। PM केयर से कितना पैसा मिला बताए जरा, मिला भी है कि नहीं मिला, मिला है तो किस चीज में इस्तेमाल हुआ। सभी विधायकों का फंड लिया गया था, कहाँ खर्च हुआ, कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। अब तो हेल्थ डिपार्टमेंट हर चीज छुपाता है, हमने ये भी बोला ट्रांसपेरेंसी रखिए। डेली जो है आप बताइए कितने लोग संक्रमित हुए, कहाँ हुए, इसकी जानकारी बुलेटिन जारी कीजिए। बहुत सारे अलग हमने 30 सुझाव, वो हम आप लोगों से भी साझा कर देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। 30 सुझाव जो हैं, 30 सजेशन हमने सरकार को दिए हैं। जाहिर है कि बिहार में जिस तरह से कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की और अस्पतालों की हालत भी सामने आती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द गरम पोस्ट।